हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 की हिंदी के पाठ 21। इस पाठ का नाम है बच्चों प्रेरक प्रसंग। इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों को आज हल करेंगे। बिल्कुल भी देर ना करते हुए अब बच्चों अब हम चलते हैं अपने वीडियो की ओर। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ का नंबर का जो प्रश्न है बच्चों, वो है पुंडलीक से भेंट के लिए कौन दौड़े आए। इसका उत्तर होगा पुंडलीक से भेंट के लिए पांडुरंग दौड़े आए। बच्चों, जो खा नंबर का प्रश्न है वो है पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था। इसका उत्तर होगा बच्चों पुंडलीक माता पिता की सेवा कर रहा था। ग नंबर का प्रश्न है बच्चों, वो है गंगा ने कहाँ वास किया है। इसका उत्तर होगा गंगा ने शंकर जी की जटाजूट में वास किया है। बच्चों, जो घ नंबर का प्रश्न है वो है सूर्य नमस्कार से क्या लाभ है। इसका उत्तर होगा बच्चों सूर्य नमस्कार करने से शरीर आरोग्य रहता है, साथ ही बुद्धि की प्रवाह फैलती है। अड़ा नंबर का प्रश्न है बच्चों, आत्मा का स्वरूप कैसा है। इसका उत्तर होगा आत्मा का स्वरूप अमर है। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ हमें रिक्त स्थान दिए हैं, जैसे का नंबर का रिक्त स्थान है पुंडलीक का चरित्र डैश का आदर्श सामने रखता है। तो इसमें हमें दो विकल्प दिए बच्चों। पहला जो विकल्प है वो है फल त्याग और दूसरा है घर त्याग। तो इसमें से जो विकल्प होगा, सही विकल्प होगा बच्चों, वो होगा फल त्याग, ये वाला फल त्याग। हमारा जो दूसरा बच्चों रिक्त स्थान है वो है डैश को विष देकर मारने की सजा दी गई। तो इसमें दो विकल्प हैं, एक है अरस्तु और दूसरा है सुकरात। तो इसमें जो खाली स्थान में आएगा बच्चों वो आएगा सुकरात। क्या? सुकरात को विष देकर मारने की सजा दी गई। तीसरा जो हमारा रिक्त स्थान है बच्चों र नंबर का, वो है आत्मा डैश है। तो इसमें हमारे जो दो विकल्प हैं, एक है अमर, दूसरा है नाशवान। तो इसमें हमारा सही विकल्प में आएगा अमर। तो आत्मा हमारी अमर है। बच्चों, आप यहाँ से भी देखकर खाली स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। मैंने प्रश्न क्रमांक 3 को यहाँ हल करके बता दिया, आप यहाँ से देखकर रिक्त स्थान भर सकते हैं। तो अब हम इस पाठ के भाषा अध्ययन के प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे, जो है नीचे लिखे शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ शब्द दिखाई दे रहा है, इन शब्दों का मैं आपको एक बार सही उच्चारण करके बता देता हूँ, उसी प्रकार से आप इसे दोहरा लीजिएगा, जिससे भी आप इसका सही उच्चारण कर पाएंगे। जो हमारा पहला शब्द है बच्चों, उसका सही उच्चारण होगा पांडुरंग। दूसरा शब्द है बच्चों, उसका उच्चारण होगा सृष्टि। तीसरा शब्द है, उसका उच्चारण होगा ब्रह्म ऋषियों। चौथे शब्द का सही उच्चारण होगा बच्चों आत्मा। पांचवें शब्द का सही उच्चारण होगा बच्चों अंत्येष्टि। इस प्रकार से आप इन शब्दों के उच्चारण कर सकते हैं। तो अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो शब्द में उन शब्दों में बच्चों वर्तनी की अशुद्धि है। उस अशुद्धि को सही करके हमें ये जो खाली स्थान दिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर, इन खाली स्थानों में इन शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है। तो अब देख लेते हैं बच्चों वो शुद्ध रूप क्या होंगे। बच्चों, जो अशुद्ध रूप में शब्द लिखे हुए थे उन्हें मैंने शुद्ध रूप में यहाँ पर लिख दिया, आप यहाँ से देखकर उन शब्दों के शुद्ध रूप लिख सकते हैं। बच्चों, अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 3 को हल करेंगे, जो है निम्नलिखित विलोम शब्दों की सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें कुछ शब्द दिए हैं और उन्हीं के सामने कुछ हमें इनके विलोम शब्द दिए हैं। बच्चों, हमें क्या करना है, इनकी सही जोड़ी बनाना है बच्चों। तो जो पहला जो हमारा शब्द है बच्चों वो है आसक्ति। आसक्ति को हम मिला देंगे बच्चों विरक्ति से। तो ये आसक्ति को हमने मिला दिया विरक्ति से। दूसरा जो शब्द है हमारा वो है स्वर्ग। स्वर्ग का विलोम होगा बच्चों नर्क। इसे स्वर्ग को हम मिला देंगे नर्क से। अगला जो शब्द है हमारा बच्चों वो है पवित्र। पवित्र को हम मिला देंगे अपवित्र से, क्योंकि पवित्र का विलोम होता है अपवित्र। और जो लास्ट हमारा शब्द है बच्चों वो है शुद्ध। शुद्ध को हम मिला देंगे अशुद्ध से। इस प्रकार से अपना ये प्रश्न क्रमांक 3 हल होता है बच्चों।
बच्चों अब हम इस पाठ के प्रश्न क्रमांक 4 को हल करेंगे जो इस पाठ का अंतिम प्रश्न भी है। तो प्रश्न क्रमांक 4 बच्चों कहता है कि नीचे बनी वर्ग पहेली से निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द छाटिए। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं हमें कुछ शब्द दिए हैं, उन शब्दों के हमें इस वर्ग पहेली में से दो दो पर्यायवाची शब्द बच्चों छाट कर लिखना है। तो जो पहला हमारा शब्द है बच्चों वो है माता। ठीक है बच्चों, तो माता का जो पहला पर्यायवाची शब्द होगा वो है माँ, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। दूसरा इसका पर्यायवाची शब्द होगा जननी, इस जगह पर आपको दिया है दूसरा पर्यायवाची माता का जननी। दूसरा जो शब्द है बच्चों वो है पिता, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पिता। इसके हम पर्यायवाची शब्द देखेंगे इस वर्ग पहेली में से। तो पहला इसका जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा पितृ, ये यहाँ पर दिया है बच्चों। और दूसरा होगा जनक, ये इस जगह पर दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों। तीसरा हमारा जो शब्द है बच्चों वो है गंगा। ठीक है बच्चों, इसका जो पहला पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा बच्चों गंगा का देव नदी, ये इस जगह पर दिया है आपका। और दूसरा पर्यायवाची शब्द है वो है सुरसरी, ये यहाँ पर दिया है, यहाँ से आप लिख सकते हैं बच्चों। अंतिम जो शब्द है हमारा वो है कमल, ये यहाँ पर दिया है कमल। इसका जो पहला पर्यायवाची बच्चों होगा वो होगा पंकज, ये इस जगह पर दिया है, इस जगह पर दिया है बच्चों पंकज। और दूसरा पर्यायवाची होगा वो होगा नीरज, ये यहाँ पर दिया है बच्चों, यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक 4 हल होता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर मैंने यहाँ लिख कर बता दिया है, जैसे कि हर एक शब्द के पर्यायवाचियों को मैंने लिख कर बता दिया। आप यहाँ से भी देखकर प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर को लिख सकते हैं बच्चों।